हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक विकास। आप सभी तो फ्लिपकार्ट का तो नाम सुने होंगे और आप लोग शॉपिंग भी करते होंगे। तो दरअसल मैं आज बताने वाला हूं कि आप चाहते हैं कि अगर कोई सामान खरीदते हैं और उसको बाद में चाहें कि उसका पेमेंट करें, जैसे कि अब फ्लिपकार्ट में एक ऑप्शन आता है पे लेटर, तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप उस वो ऑप्शन को आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला जो रूल है, सबसे मिनिमम जो क्राइटेरिया है आपको फ्लिपकार्ट उसमें जो हो वो इनेबल करने के लिए, आपका पे लेटर वाला ऑप्शन, सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट में आपको होना चाहिए फ्लिपकार्ट प्लस। तो फ्लिपकार्ट प्लस होने के बाद ही आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे अकाउंट में भी आप मात्र 150 तक का ही क्रेडिट अकाउंट है और इसको बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि आपका फ्लिपकार्ट प्लस होना चाहिए, उसके लिए आपको 50 जो हैं वो कॉइन होने चाहिए। उसके बाद आपका फ्लिपकार्ट प्लस हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपको ये ऑप्शन पे लेटर वाला आ जाएगा। देखिए, पे लेटर में दरअसल होता क्या है, आपको इस पे लेटर ऑप्शन में कोई भी सामान खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका अमाउंट है 1.5 लाख तक, जैसे कि मेरा है, तो अगर आज हम कोई सामान परचेज करते हैं तो अगले एक महीना के बाद भी हम पे कर सकते हैं। बस इसका यही फ़ायदा है कि आप आज खरीदें और पे एक महीना बाद करें। अगर आप उसके डिले करते हैं तो उसमें आपको कुछ फाइन लग सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।